हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर लटकन कैसे बनाए। तो देखिए, हमें इस तरह से लटकन बनाना है और इस लटकन को बनाने के लिए मैंने ये कुछ पट्टियां कट कर ली है और डोरी भी निकाल ली हमने कपड़े की ये हमारी। तो देखिए किस तरह से हमें लटकन बनाना है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिये, इसके लिए जो हमने ऊपर वाला है, इसके लिए हमने ये इस तरह से पट्टी कट की है। इस तरह से हमारी पूरी स्ट्रेट में रहेगी इस तरह से। तो देखिये, और इसके लिए मैंने एक लाइनिंग भी कट किया है सेम साइज का। और ये मैंने देखिए, इस लटकन बनाने के लिए मैंने ये चौकोर में पट्टियां कट कर ली है इस तरह से। छह पट्टियां ये हमारी और दो हमने डोरी ले ली है इस तरह से। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको साइज दूंगी। जो हमने वाली पट्टी ली है, इसकी जो हमने लंबाई ली है वो हमारी 3 इंच रहेगी और जो चौड़ाई रहेगी वो हमारी 7.5 इंच रहेगी। तो देखिये, हमें करना क्या है, उल्टे वाले साइड से हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और ये वाला हमारा सीधा है, ये हमारा इस तरह से रहेगा। तो देखिए, इसको अभी हम बाद में सिलाई करेंगे, पहले हमें इन्हें तैयार करना है। तो जो हमने ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई ली है वो हमारी 4 इंच है, लंबाई चौड़ाई सेम रहेगी हमारी। इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और ये हमने डोरी ली है इस तरह से। यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, 3 हमें एक साथ डालने हैं इसमें और 3 इसमें डालने हैं। देखिए, इस तरह से हमने तैयार कर लिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये नाप लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, अब हमें करना क्या, इसे तैयार करेंगे। तो इसे किस तरह से तैयार करना है, इसे हमें इस तरह से रखना है, ये इस तरह से आएगा और इसके अंदर हम ये तो ये इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सेंटर पार्ट में। और यहाँ पे सिलाई करेंगे और फिर यहां तक, यहाँ पे भी डोरी लगाएंगे ये वाली। देखिए, हमने सिलाई कर दी यहां तक इस तरह से। अब इसे पलटेंगे तो देखिए इस तरह से। देखिए, अब हमें करना क्या है, इसको हम इसी के अकॉर्डिंग फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड। और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, यहाँ पे सिलाई नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने लटकन तैयार कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लटकन बनके तैयार हुआ है। और तो आप देख सकते हैं कितना इजी है हमारा ये लटकन। आप ये ब्लाउज, कुर्ती या फिर लहंगे के लिए बना सकते हैं, बहुत ही इजी। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।